सब लोग इकट्ठा हो चुके थे व्योमवथ के एक प्लैनेट पर। इसके बाहर सभी स्पेसशिप्स खड़ी थी। ये एग्जिस्ट करता है गैलेक्सीज के बीच में, जो कि ओशन है डेड स्पेस का। और यहाँ पर दोनों तरह के लोग इकट्ठा हुए थे, एक तो रेफ्यूजीज जो कि फॉलन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, और दूसरे गैलेक्टिक काउंसिल के कुछ लोग जो कि घायल थे। और ये प्लेस बनने वाला था उनके रीग्रुप होने के लिए, जहाँ पर वो खुद को हील कर सके, कुछ प्लान बना सके। लेकिन यहाँ पर कोई हीलिंग और प्लानिंग हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ छुपने के लिए जगह ही नहीं थी। और बिल्डर्स ने इसी बात का फायदा उठाया। एक गद्दार की मदद से उन्होंने कुछ ड्रोन्स भेजे उनकी तरफ, और अनडिटेक्टेबल सुसर ड्रोन्स ने उस पूरे सिस्टम को ही तबाह कर दिया, और उसकी रिंग वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो गई। और इस वजह से बिहेमोथ ब्रेक हो चुका था। लगभग 100 मिलियन रेफ्यूजीज वहां पर एग्जिस्ट करते थे अभी भी, जो कि हील और प्लानिंग के लिए वहां पर रेडी थे। लेकिन ये उनके कल्पना के परे था। और अब प्लैनेट किलर्स अपने काम में पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे। सुसाइड ड्रोन्स डिटोनेट किए गए जहां पर उन्हें डिटोनेट होना था। तो अब 40 मिलियन रेफ्यूजीज तैर रहे थे आसमान में, स्पेस में, बिना जिंदगी के बॉडी के साथ। ये मैसेज था बिल्डर की तरफ से, जो कि उनके बीच में आने वाले सभी लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट बन चुका था। ये मैसेज था कि तुम भाग नहीं सकते हमसे। ये मैसेज था कि तुम यूनिवर्स में कहीं भी छुप नहीं सकते हमसे। और ये बिल्डर्स का पहला कदम था। आगे बिल्डर्स ने एक एक करके सभी प्लैनेट्स को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, अपने दम पे, अपने वर्ल्ड्स किलर की धमकी देकर। पहले मिलेनिया झुका, फिर काइमेलियंस, और उनके पीछे अब क्री इंटेलिजेंस। उन्होंने भी हार मान ली थी, और अब हम जीत नहीं सकते थे। बहमोत के बचे हुए लोग, जहां पर रोनन आकर कहता है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस ने सरेंडर कर दिया है, और इस वजह से मुझे वापस बुला लिया गया है। मैंने इंटेलिजेंस से दरख्वास्त की कि मैं आपके साथ रहूं, लेकिन बिल्डर्स नहीं चाहते कि कोई इकट्ठा हो और उनके खिलाफ बगावत करे। सरेंडर एक शेमफुल थिंग है किसी वॉरियर के लिए। इससे अच्छा तो यह होता कि मैं आपके साथ मर जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वजह से मेरे लोग मारे जा सकते हैं। तो आपके साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात थी, और शान की मौत मरना हीरोज, क्योंकि तुम लोग याद किए जाओगे। तब जेसन ऑफ स्पार्टेक्स, जो कि गद्दार बन चुका था बिल्डर्स का, वो कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि बची हुई फ्लीट में से एक चौथाई हिस्सा तो क्री का था, तो अब वो लोग जा चुके हैं। तब ग्लैडिएटर कहता है कि अभी भी मेरे पास कुछ हिस्सा आर्मी का बचा हुआ है, और मैं यहीं पर रहूंगा। क्लर्ट, तुम्हारा क्या कहना है? तब क्लर्ट यानी कि सुपर स्कल कहता है कि तुम किसी के साथ मुझे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि बिल्डर्स क्या कर सकते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अपने खून में मरा हुआ मिलूं। तब जाते हुए जेसन कैप्टन से कहता है कि तुम लोग बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कुछ लोग उनके पास प्रिजनर्स है। तब कैप्टन कहते हैं, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? तब वो कहता है कि मेरे तरीके तुम्हारे समझ के बाहर है, और तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। तभी एनाइलस कहता है, उसने हमसे गद्दारी की है। तब ग्लैडिएटर उसे शांत करते हुए कहता है, हाँ, लेकिन हमारे पास उससे भी बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी हम उसे कभी बाद में भी देख सकते हैं। पहले हमारे स्ट्रेटजीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हम अंधे और बहरे दोनों हो चुके हैं। तब कैप्टन कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि अपनी ताकत को पहचानो और उसके हिसाब से प्लान बनाओ, और वैसे भी तुम चेस बोर्ड को अलग तरीके से देख रहे हो। इस पर ग्लैडिएटर कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास प्लान है। तब कैप्टन कहते हैं, हाँ, मेरे पास प्लान तो है, लेकिन उसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तब ग्लैडिएटर कहता है कि तो तुम्हें किस चीज की जरूरत है? इस पर थॉर जवाब देता है, एक अच्छे कैप्टन को हमेशा एक चारी की जरूरत होती है। वर्ल्ड किलर्स। एक दिन बाद हाला, जो कि कैपिटल था क्री एम्पायर का, जिसके बाहर सेंटियन ड्रोन्स और वर्ल्ड किलर रखे हुए थे बिल्डर्स ने, और वो उसी में से मॉनिटर कर रहे थे उस प्लैनेट को। और यहाँ पर एक बिल्डर आकर बताता है कि रोनन वापस आ चुका है, और उसने भी सरेंडर कर दिया है। और तभी वो देखते हैं कि एनिमीज उन पर हमला करने के लिए आ चुके थे। तब बिल्डर कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते, तो फिर वो ये चीज करते क्यों है? क्या उन्हें पता नहीं हम कितनी बुरी तरह से मारते हैं उन लोगों को? लेकिन
फिर भी वो लोग आगे बढ़े जा रहे थे। यहाँ पर ग्लैडिएटर उनकी शिप्स की तरफ देखते हुए कहता है उन्होंने अटैक करने के लिए छोटे ड्रोन्स भेजे हैं और बड़े प्लैनेट किलर्स अभी भी कमांड शिप के साथ है। मुझे लगता है कि बिल्डर्स को तुम्हारे बेड के बारे में पता चल चुका है कैप्टन। और यहाँ पर कैप्टन का प्लान शुरू हो चुका था क्योंकि एक वर्ल्ड किलर के अंदर स्मैशर के साथ ब्रूस बैनर और बाकी बहुत सारे लोग अंदर घुस चुके थे और वो एक एक करके सभी एलएफ्स यानी कि बिल्डर बॉट्स को रिप्रोग्राम करके उस वर्ल्ड किलर शिप की प्रोग्रामिंग जांच रहे थे। और उसी के साथ ब्रूस बैनर अंदर घुस के कहता है कैप्टन मैं अंदर आ चुका हूँ, जितनी देर हो सके उतनी देर रोके रखो उन्हें। तब ग्लैडिएटर चिल्लाता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। कैप्टन उनसे कहो कि लूमा को, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और ग्लैडिएटर को उठाते हुए एक सोल्जर कहता है कि पावर फेल हो चुका है और हमें रिट्रीट करने की जरूरत है। लेकिन कैप्टन गुस्से में कहते हैं नहीं सोल्जर, या तो हम मरेंगे या मारेंगे, क्योंकि भागने के लिए और कोई जगह बची ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वो सब कुछ फायर करो उन पर। यहाँ पर बिल्डर्स देख रहे थे कि वो लोग किस तरह से पिट रहे हैं, यानी कि एवेंजर्स और इंपीरियल गार्ड्स। और गैलेक्टिक काउंसिल के पिटने के साथ ही दो बिल्डर्स बहुत खुश थे और वो कह रहे थे कि हजारों सालों के बाद लोग क्या कहेंगे पता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग बचेंगे ही नहीं कुछ कहने के लिए। लेकिन इससे पहले ही उन पर अटैक हो जाता है और तब एक केयरटेकर बताता है कि अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे ही वर्ल्ड किलर में से एक है। यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और सारे हाथ में आई हुई बाजी फिर से बिल्डर के हाथ में चली जाती है, क्योंकि ब्रूस बैनर ही कंट्रोल पर बैठा हुआ था और जैसे ही वो हल्क बनता है सारे कंट्रोल सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब ग्लैडिएटर कहता है कि उन्होंने दो वर्ल्ड किलर्स तो तबाह कर दिए लेकिन बाकियों का क्या, और शायद तुमने सुना नहीं कि हमने कंट्रोल खो दिया है। तब कैप्टन कहते हैं ये अच्छा है क्योंकि मैंने सेकंड टीम भेज रखी थी। थॉर, क्या तुम्हारे पास कंट्रोल आ चुके हैं? और तब हम देखते हैं कि थॉर और क्लर्ट दोनों अंदर जा चुके थे और दूसरे वर्ल्ड किलर पर अपना कब्जा जमा चुके थे। इस पर थॉर कहता है हमने सेकंड वर्ल्ड किलर हासिल कर लिया है, उन्हें दिखाओ अब तबाही क्या होती है, ऐसा कहर बरसाओ जैसे बिजली अंधेरे में चमकती है, आग बरसाओ उन पर, जला दो जन्नत को। यहाँ पर केयरटेकर बताता है कि हमने 8 वर्ल्ड किलर्स को खो दिया है और हमारे ग्रेट वेपन्स अब नाकाम हो चुके हैं बिल्डर्स। तब बिल्डर्स प्लान बनाते हैं कि एक्स निहिला यही रुककर इस सबको तबाह करेगी जैसे ही वो भाग जाएंगे और बिल्डर्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गैलेक्टिक काउंसिल को पता चल चुका था कि वहां पर बिल्डर्स गायब हो चुके हैं अपनी फ्लीट पे से। तो यहाँ पर मैजिस्टर खुश होने लगता है लेकिन कैप्टन कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं और वो एडन से रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। तब एडन बताता है कि यहाँ पर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है। इस पर कैप्टन कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अभी वहां से बाहर निकलो क्योंकि अभी भी तुम फायर फाइट के बीच में हो। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले थे वैसे ही ब्लैक विडो कहती है कि रुको, यहाँ पर हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे कॉमरेड्स बाहर लड़ रहे हैं, बाहर मर रहे हैं। केविन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? तब स्टार ब्रांड कहता है तुम क्या कह रहे हो? तो ब्लैक विडो कहती है कि जो तुम्हारे हाथ में है तुम स्टार ब्रांड हो, तुम्हारे पास ये पावर्स है कि तुम ये सब खत्म कर पाओ, तो बताओ कि तुम स्टार ब्रांड क्यों हो, हमें दिखाओ तुम्हारी असली ताकत। तब स्टार ब्रांड कहता है हाँ मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। और जैसे ही वो अपनी पावर्स अनलीश करता है वैसे पूरी तरह से जंग खत्म हो जाती है। और यहां पर अब हेवन बदल चुके थे, वो वक्त आ चुका था जब हेवंस टर्न हो रहे थे किसी और चीज में। मैक्सिमस ने क्या बिल्ड किया? अर्थ। यहाँ पर लॉलेस के बीच में कोई भी लॉ नहीं है और थैनोस की आग अब पड़ चुकी है एटेलियन पर जो कि एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। तो अपनी आर्मीज ऑफ पायरेट और बचर्स के साथ वो अर्थ की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर बैठा कि उसने अर्थ को हल्के में ले लिया। वहाँ के हीरोज को उसने कुछ समझा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो वो ऐसा प्लैनेट था जहाँ पर हीरोज भरे पड़े थे। और तब हम देखते हैं माइटी एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स को जो ब्लैक ऑर्डर का सामना कर रहे थे। लेकिन इल्यूमिनेटिस का क्या, उनके उस ढूंढने के मिशन का क्या? लेकिन उससे पहले ही उन्हें किसी और ने रोक लिया था, कोई और बड़ा खतरा जो कि इनकर्जन था किसी पैरेलल वर्ल्ड के यूनिवर्स का। इनकर्जन किसी को भी छोड़ने नहीं वाला था, जो उसकी चपेट में आता वो मारा जाता। यहां दूसरी तरफ एटिलैंड पर
थानोस आ चुका था अपने आर्मी के साथ, और वो जैसे ही अंदर घुसता है वो देखता है कि वहाँ पर एक अकेला किंग बैठा हुआ है जो कि इनह्यूमन किंग था। तो वो कहता है कि ये किस तरह का गेम है। तब हम देखते हैं कि एटलैंड के नीचे जहाँ पर मैक्सिमस अपने टेलीपोर्टर के जरिए एक एक करके सभी इनह्यूमन्स को वहां से टेलीपोर्ट कर रहा था, और बता रहा था कि जैसे ही वो लोग टेलीपोर्ट होंगे वैसे ही वो अलग अलग जगह पर जाएंगे, हर एक जगह के लिए टेलीपोर्ट होगा। और वो मेडिसा को जाते हुए कहता है कि जहां पर भी तुम जाओ वहां से ऊपर आसमान में जरूर देखना, क्योंकि ये किसी तरह का शो होने वाला है। और जैसे ही सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं तब लॉकजॉ और मैक्सिमस वहीं पर खड़े उस मशीन को देख रहे थे जो कि मैक्सिमस को बिल्ड करने के लिए कहा था ब्लैक बोल्ट ने, और वो देख रहा था उस मशीन को और बता रहा था लॉकजॉ को कि मैंने इसे क्रिएट किया देखो, और सब लोग मुझे मैक्सिमस द मैड कहते हैं। हाँ ये सच है, क्योंकि मैं मैड हूँ, क्योंकि मैं मैडनेस देख सकता हूँ और मैं इसके लिए तैयार रहता हूँ। यहाँ पर थानोस के सोल्जर्स उसे बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा एटलैंड खाली हो चुका है। तब थानोस कहता है कि तुम्हारे लोग कहाँ पर है राजा, कहीं तुम मुझे टेस्ट करने के फिरात में तो नहीं हो, अगर तुमने मुझे अपना गाउंटलेट दे दिया होता तो ये सब होता ही नहीं, अब तुम पूरी दुनिया को तबाह होते हुए देखोगे, अपने मेरे ट्रिब्यूट के बदले तुम सब लोगों के सर देखोगे और तुम उस ब्लड में देखोगे तैरते हुए उनकी बॉडीज को, तो अब जो भी होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, या तो कुछ लोग मरेंगे या फिर सारे, और तुमने वो मौका खो दिया, तो बताओ लिटिल किंग तुम क्या कहना चाहते हो। और ये सब सुनने के बाद ब्लैक बोल्ट अपनी जगह से उठता है और जोर से चिल्लाता है नहीं, और इसी के साथ मैक्सिमस की बिल्ड की हुई मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो ब्लैक बोल्ट के आवाज के साथ मिलकर पूरे एटलैंड को ही तबाह कर देती है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।